चाहिए नहीं, मेरी कोई मांग नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मेरी कोई तमन्ना नहीं, मेरी कोई चाह नहीं। जिसका मन विश्राम में है, जिसका मन शांत है, जिसका मन ईश्वर के अर्पित है, उसके जीवन में अब सभी कर्म ईश्वर आदेश अनुसार ही होंगे। इस विषय में भगवान बुद्ध के जीवन का एक उल्लेख करती हूं। बुद्ध 7 वर्ष के लंबे तपश्चर्या के बाद इस बात को समझ गए कि शरीर को सताने से संबोधि नहीं मिलेगी। 7 वर्ष उन्होंने घोर तप किया, राजमहल त्याग, वनों में रहे, गुरु का आदेश पालन करते हुए जो कुछ साधना का सूत्र मिलता वो उसके अनुसार साधना करते, पर 7 वर्षों में शरीर एकदम कृशकाय हो गया, कमजोर हो गया। निर्जला नाम की नदी को पार करना चाह रहे थे, नदी में पैर रखा, कमजोरी के कारण चल ना पाए, गिर गए। बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीट के दूसरे किनारे तक लेके गए। संजोग है कि उसमें जल ज्यादा नहीं था, कम पानी था। जब पार पहुंच गए तो एक पेड़ का सहारा ले बैठे और अपने थके हारे कृशकाय कंकाल जैसे शरीर पर दृष्टि मारी और भीतर यह विचार आया, ये मार्ग नहीं है मोक्ष का। और मन हताश थका हुआ अपने आप को छोड़ दिया। ये चाह कि मेरा मोक्ष हो, उन्होंने यह चाह भी छोड़ दी। यही एक चाह थी, यह चाह भी छोड़ दी। वहीं बैठे बैठे लंबा समय हो गया। इतने में एक स्त्री गीत गाती हुई पार खेत जा रही थी और गाते गाते वो बुद्ध की ही ओर आ गई और बुद्ध के पास आ प्रणाम कर नजदीक बैठ गई। बड़ा हैरान होकर उसने पूछा, आप कौन हैं? आप यहां क्या कर रहे? और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं, पर पहले आप बतलाएं कि आप कौन हैं। बुद्ध ने कहा, मैं अपना परिचय जरूर देता हूं, पर पहले तू बता तू कौन है। उसने कहा, मेरा नाम सुजाता है और मैं पास के गांव में रहती हूं। अब आप अपना परिचय दीजिए। गौतम ने कहा, मैं पूर्व में एक राजकुमार था, सत्य की खोज के लिए मैं एक साधु हो गया हूं और सत्य की खोज करते 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 थक हार गया हूं और आज ये बोध हो रहा है कि जिस मार्ग से मैं ईश्वर की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति करना चाह रहा था, वह मार्ग से सत्य नहीं मिलेगा। सुजाता ने कहा, आप यहां कब से हैं? गौतम ने कहा, थोड़ा ही समय हुआ, मैं भिक्षु हूं, तप कर रहा था, पास के जंगल में था, नदी पार की, पार हुई नहीं, थक के यहां बैठ गया, पर तू इतने प्रश्न क्यों पूछ रही? सुजाता ने कहा, इसका कारण है कि रात मुझको स्वप्न आया और स्वप्न में मुझे मेरे इष्ट देवता ने यह कहा कि खीर बनाकर तू जंगल की दिशा में जा, वहां तुम्हें एक तपस्वी मिलेगा, उस देवता को तुम इस खीर को समर्पित कर देना
अगर उसने ये तेरी खीर स्वीकार कर ली तो तुम्हें बहुत आशीर्वाद प्राप्त होंगे। गौतम बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने कहा ला खीर दे। ख्याल करिएगा, एक वर्ष से भी अधिक हो गया था, बुद्ध ने एक अन्न का दाना भी मुख में नहीं डाला था। इतने लंबे उपवास के बाद उपवास तोड़ भी रहे हैं तो खीर से। खीर खाते हुए उन्होंने सुजाता से कहा कि तेरा देवता जो भी कोई है वह तू जान, पर आज तेरे मुख से जो बोल निकले हैं उन बोलों ने मेरी साधना की दिशा को एक नई दृष्टि दे दी, सो मैं तेरा धन्यवादी हूं इस खीर के लिए भी और तेरे उस गीत के लिए भी। सुजाता बहुत हैरान होगी, किस गीत के लिए? वो तो साधारण सा गीत जिसके बोल बस इतने ही हैं कि तार को इतना भी ना कसो के टूट जाए और इतना भी ढीला ना छोड़ो कि स्वर ना निकले। गौतम बुद्ध ने कहा बस यही कि जीवन के इस सितार के तारों को मुझे इतना भी नहीं खींचना जो मैं पिछले एक साल से, और अगर कुल कहूं तो 7 वर्षों से खींच रहा था, खींचना नहीं, और ना इतना ढीला छोड़ना है जैसा मैंने छोड़ रखा था जब मैं एक राजकुमार था, तब जीवन भोग का था, 7 वर्षों से त्याग का था। भोग किया तो अति, त्याग किया तो अति, पर अब समझ लगी न भोग में न त्याग में, इसके मध्य में एक मार्ग है जिसके द्वारा दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है। बुद्ध ने उस मार्ग को नाम दिया मज्झिम निकाय। अगर मज्झिम निकाय को मैं तुम्हारे लिए सहजता से कहना चाहूं तो इतना ही, विवेक। विवेक पूर्वक अपने जीवन को जियो तो यह जीवन फिर एक युद्ध नहीं, फिर एक उत्सव दिखेगा। देखिए, दृष्टि बदलनी है, सृष्टि नहीं बदलनी। सृष्टि तुम बदल भी नहीं सकते हो, बदल सकते हो क्या? दुनिया भर के जितने रिफॉर्मर्स हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स हैं, जो ये ऐसा सोचते हैं कि वो दुनिया में बदलाव ले आएंगे, इनकी ये धारणा एक स्वप्न ही रह जाती है, कभी सच नहीं होती। हिटलर की सच हुई, कम्युनिस्टों की सच हुई, ना समाजवादियों का स्वप्न पूरा होता है, ना इंपीरियलिस्टों का स्वप्न पूरा होता है, हम बदल देंगे। ज्ञान कहता है किसी को बदलने मत निकल, तेरे बदलने से कुछ नहीं बदलेगा, बदल सकता है तो अपनी दृष्टि को बदल। देखने के नजरिए को फर्क कीजिए तो युद्ध युद्ध नहीं, युद्ध भी एक खेल हो जाएगा, युद्ध भी एक खेल हो जाएगा। निरंतर जो मेरा स्मरण करता है वही मेरा भक्त है, द वन हु रिमेंबर्स मी डे इन एंड डे आउट इज माई डेवोटी। एंड श्री कृष्ण सेज that my devotee is not separate from me and neither am I from my devotee. Me and my devotee become one. We have become one. We are one. The duality is just illusion.